क्या आप जानते हैं अदरवाइज, एल्स और एल्स क्या है और इनका क्या मीनिंग होता है? इन सभी का मीनिंग होता है नहीं तो, या वरना, या अन्यथा। यानी अक्सर आप अपने कॉन्वर्सेशन में कहते हैं ऐसा करो वरना वैसा होगा, या मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, पैसा बचाओ वरना तुम पछताओगे, इंग्लिश सीखो नहीं तो तुमको जॉब नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ कहते हैं नहीं तो, या वरना, या अन्यथा, तो आप इनमें से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। कड़ी मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को एल्स के मदद से भी बोल सकते हैं, जैसे वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। और आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल, यानी कड़ी मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, पैसे बचाओ वरना तुम पछताओगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सेव मनी अदरवाइज यू विल रिपेंट। और अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को एल्स से भी बोल सकते हैं, जैसे सेव मनी एल्स यू विल रिपेंट। और आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं सेव मनी और एल्स यू विल रिपेंट, यानी पैसे बचाओ नहीं तो तुम पछताओगे, या वरना तुम पछताओगे, या अन्यथा तुम पछताओगे। इस वीडियो को लाइक कर दो वरना तुम बाद में भूल जाओगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लाइक दिस वीडियो अदरवाइज यू विल फॉरगेट लेटर ऑन। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को एल्स से भी बोल सकते हैं लाइक दिस वीडियो एल्स यू विल फॉरगेट लेटर ऑन। और अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक दिस वीडियो और एल्स यू विल फॉरगेट लेटर ऑन, यानी इस वीडियो को लाइक कर दो नहीं तो बाद में तुम भूल जाओगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने तीनों वर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से सीखा कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहें वरना, नहीं तो, या अन्यथा, तो इनमें से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।